स्वागत है दोस्तों आप सभी का भारत और इंग्लैंड के बीच में वर्ल्ड कप 2023 का ये मुकाबला होने वाला है। यार ये मुकाबला जो है धर्मशाला के ग्राउंड के अंदर खेला जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो मुकाबला हुआ था उसके बाद ये मुकाबला हो रहा है और यहाँ पे सिक्का उछला है। टॉस कौन सी टीम जीतती है देखना होगा। यहाँ पे रोहित शर्मा ने टेल्स का किया है कॉल। भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में ये बड़ा मुकाबला है दोस्तों। यहाँ पे टीम इंडिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इंग्लैंड की टीम की बात करो तो यहाँ पे जेसन रॉय, पीस सेल्ट, डेविड मलान कभी अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो है मैदान में उतरेंगे आज के मुकाबले में। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा नंबर एक पर बल्लेबाजी करेंगे, विराट कोहली करेंगे दो पर बल्लेबाजी और शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, वसिंदर सुंदर, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज और युजवेंद्र चहल आज के मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे। बड़ा मुकाबला होने वाला है भारत और इंग्लैंड के बीच में वर्ल्ड कप 2023 का ये मुकाबला। और यहाँ पे पहले भारतीय टीम का नेशनल एंथम जारी है, उसके बाद दोस्तों इंग्लैंड की टीम का नेशनल एंथम किया जाएगा, उसके बाद ये मुकाबला शुरू होने वाला है। बहुत ही शानदार मुकाबला और बहुत ही बड़ा ग्राउंड है ये, धर्मशाला के मैदान में आज मुकाबला होने वाला है और दोनों टीमें जो है आमने सामने भिड़ने वाली है। वर्ल्ड कप 2023 का यह मुकाबला है, 29वां मुकाबला खेला जाएगा वर्ल्ड कप का। और आज के मुकाबले में कई सारे भारतीय टीम के अच्छे खिलाड़ी जो है वापस आए हैं और रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर के ऊपर बड़ा दावेदार रहने वाला है आज के मुकाबले में बल्लेबाजी करने के लिए। और कप्तान जो है रोहित शर्मा आज के मुकाबले में एक ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत कर रहे थे बल्लेबाजी करने का, क्योंकि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है टीम इंडिया ने। और यहाँ पे टीम इंडिया का नेशनल एंथम जो है खत्म हो चुका है और यहाँ पे इंग्लैंड की टीम का नेशनल एंथम जारी है। बड़ा मुकाबले के लिए दोनों टीमें तैयार हो चुकी हैं और ग्राउंड जो है धर्मशाला का मैदान है। यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ नजर आ रहे हैं और बीच में यह मुकाबला हो रहा है भारत और इंग्लैंड के बीच में। और यहाँ पे बात करें दोस्तों तो इंग्लैंड की टीम में भी शानदार खिलाड़ियों की आज के मुकाबले में वापसी हुई है और आज टीम इंडिया ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। दोस्तों हमारी कमेंट्री अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि बड़ा मुकाबला होने वाला है। दोस्तों हमारी कमेंट्री अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। दोनों टीमों के खिलाड़ी जो है मैदान में उतरे हैं और यहाँ पे पूरी तरह से नेशनल एंथम खत्म हो चुका है। अब दोस्तों बस मुकाबले की शुरुआत होने वाली है, तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरेंगे। फिलहाल दोनों अंपायर जो है अपनी गेंद लेके तैयार है अपनी गेंद डालने के लिए। फील्डिंग टीम जो है इंग्लैंड की वो आएगी मैदान में। यहाँ पे इंग्लैंड की पूरी टीम जो है तैयार होके आ चुके हैं मैदान में एक बड़ा मुकाबले के लिए जा रही है और इंग्लैंड के बीच में वर्ल्ड कप 2023 का यह मुकाबला। भारतीय टीम के बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली मैदान में उतर चुके हैं। सलामी बल्लेबाज है और ये बल्लेबाज जो है कई सारे मैचों में अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और आज के मुकाबले में भी शानदार बल्लेबाजी करनी होगी। इंग्लैंड की टीम की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए क्रिस जॉर्डन को बुलाया गया है। 41 मैच के लिए 47 विकेट चटकाई है, 25 का इनका एवरेज है। रोहित शर्मा 125 मैच अंतर्राष्ट्रीय में 2729 रन, 31 का एवरेज, 148 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं। 19 बार उन्होंने 50 रन मारे हैं और 8 बार उन्होंने सेंचुरी भी मारी है वर्ल्ड कप 2023 में। और अब दोस्तों यह मुकाबले की शुरुआत होने वाली है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बड़ा मुकाबला होने वाला है भारत और इंग्लैंड के बीच में, तो सभी लोग हो जाइए तैयार। और दोस्तों हमारी कमेंट्री अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। गेम ऑन हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे पहली गेंद डालेंगे क्रिस जॉर्डन रोहित शर्मा के सामने, पहली गेंद का सामना करेंगे रोहित शर्मा। देखना होगा किस तरह से खेलेंगे रोहित शर्मा। पहली गेंद यहाँ पे जॉर्डन की, इस बार सामने की तरफ शॉट लगाना चाहते थे लेकिन सीधी स्टंप पे जाके लगी है क्रिस जॉर्डन की। इसी के साथ दोस्तों पहली गेंद पे इंग्लैंड की टीम को विकेट मिलती हुई, रोहित शर्मा को बिल्कुल समझ में नहीं आया इस गेंद को और सीधी स्टंप उड़ी है, बीन स्टंप पे जाके गेंद लगी और स्टंप के टुकड़े उड़ गए हैं। दोस्तों बहुत ही शानदार गेंदबाजी इंग्लैंड की टीम की तरफ से, क्या शुरुआत हुई है। अंदर आती हुई गेंद को बिल्कुल समझ नहीं पाए और दोनों ही स्टंप जो है उड़ चुके हैं। और अब दोस्तों शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आना पड़ेगा, 8 मैचों का अनुभव है। लेकिन दोस्तों क्रिस जॉर्डन ने क्या शुरुआत की है, कप्तान रोहित शर्मा को बिल्कुल रन नहीं बनाने दिए और आउट करवा दिया है। शुभमन गिल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए 8 मैचेस के लिए। रनों की बात करें तो अभी तक उनके बल्ले से रन तो बहुत ज़्यादा देखने को मिला है वर्ल्ड कप 2023 में और आज का मुकाबला इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या शुरुआत की है इंग्लैंड की टीम ने, भारतीय टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, एक भी रन बनाया नहीं और पहली विकेट जो है भारतीय टीम की तरफ से खो चुकी है। क्रिस जॉर्डन की अगली गेंद, सामना करेंगे शुभमन गिल, देखना होगा किस तरह से खेलेंगे।
शुभनम गिल के बल्ले से अच्छा शॉट, इस बार शुभनम गिल ने आते ही चौका लगा दिया पहली गेंद पे। शानदार शॉट यहाँ पे, ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत करते हुए शुभनम गिल ऑफ साइड की दिशा में इस गेंद को खेला, छोटी गेंद को पुल किया ऑफ साइड की दिशा में और फील्डर के ऊपर से गेंद जो है बाउंड्री लाइन के बाहर गई है चार रनों के लिए। अच्छा शॉट है ये, बहुत ही शानदार तरीके से शुरुआत होती हुई इस मुकाबले की भारतीय टीम के लिए। पहली विकेट जो है रोहित शर्मा की गिरती हुई, पहली गेंद पे क्रिस जॉर्डन ने स्टंप को बिखेर दिया था और अब दूसरी बार शुभनम गिल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे हैं। थोड़ी सी फील्डिंग चेंज होती हुई, एक चौका लगाने के बाद फील्डिंग हुई है चेंज और चार रन का स्कोर है एक विकेट के नुकसान पे। रोहित शर्मा के बाद शुभनम गिल स्ट्राइक पर फिर से एक बार मौजूद है, देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। एक और अच्छा शॉट आ गया कि कदमों का इस्तेमाल किया और इस गेंद को भेजा है बाउंड्री लाइन के बाहर छह रनों के लिए। लंबा छक्का है ये, बड़ा ग्राउंड में बड़े बड़े शॉट लगाते हैं और यहाँ पे ये देखिए किस तरह से शॉट खेला है शुभनम गिल ने, आगे आए और इस गेंद को सीधी भेजी है बाउंड्री लाइन के बाहर छह रनों के लिए। और शुभनम गिल कई सारे मैचों में ऐसी बल्लेबाजी करते हैं। बड़ा मुकाबला है भारत और इंग्लैंड के बीच में और आज के मुकाबले में 10 रन का स्कोर है टीम इंडिया का एक विकेट के नुकसान पे। तीन गेंदें हो चुकी है और शुभनम गिल दो गेंदों पे 10 रन बनाकर खेल रहे हैं आज के मुकाबले में। एक और अच्छी गेंद डाल सकते हैं शुभनम गिल के सामने, लेकिन शुभनम गिल रुकने वाला नहीं है, छः रनों के लिए जाएगी गेंद। फिर से एक बार बड़ा शॉट छः रनों के साथ यहाँ पे दोस्तों, फिर से एक बार छक्का लगा दिया। इस ओवर में दो छक्के लग चुके हैं और एक चौका भी शुभनम गिल के बल्ले से लगा है। ये छक्का फिर से एक बार मिड विकेट के ऊपर से सामने की तरफ डाला है और बड़ा ग्राउंड है, धर्मशाला का मैदान है, चारों तरफ पहाड़ नजर आ रहा है और बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है। वर्ल्ड कप 2023 का ये मुकाबला लगातार फील्डिंग चेंज होती रही है, लेकिन भारतीय टीम के लिए यहाँ पे शुभनम गिल तीन गेंदों पे 16 रन बनाकर खेल रहे हैं आज के मुकाबले में। अगली गेंद का सामना करेंगे शुभनम गिल फिर से एक बार, यहाँ पर क्रिस जॉर्डन ने फिर से एक बार शुभनम गिल की भी स्टंप को बिखेर दिया है। एक और अच्छी गेंद क्रिस जॉर्डन ने वापसी करते हुए यहाँ पे रोहित शर्मा के बाद शुभनम गिल को भी वही दिशा में आउट हुए हैं। चार गेंदों पे 16 रन बनाकर क्रिस जॉर्डन ने शुभनम गिल को चलता किया है और ये गेंद जो है उन्होंने ऐसे ही डाली है और स्टंप को बिखेरा है, दोनों ही स्टंप को उड़ा दिया है और एक स्पेयर विकेट डला दिया है। पांच गेंदों पर दो विकेट चटकाई और रन भी बहुत ज्यादा दिए, श्रेयस अय्यर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 21 मैच खेले वर्ल्ड कप में 149 रन बनाए हैं। एवरेज की बात करें तो 18.62 का एवरेज है। स्ट्राइक रेट की बात करें तो 131 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं और पहली गेंद का सामना करेंगे आज के मुकाबले में क्रिस जॉर्डन की। और आज क्या गेंदबाजी रही है, दो विकेट चटका है क्रिस जॉर्डन ने, रन तो बहुत ज़्यादा दिए 16 रन, लेकिन विकेट भी दो चटका लिए आज के मुकाबले में। पहली गेंद का सामना करेंगे श्रेयस अय्यर, आखिरी गेंद इस ओवर की, इस ओवर को संभाल कर खेल लेंगे श्रेयस अय्यर तो बड़ा यहाँ पे मुकाबला होने वाला है। अगली गेंद का सामना करेंगे श्रेयस अय्यर, ये देखिए क्या शॉट मारा है श्रेयस अय्यर ने, पहली गेंद पे छक्का। बड़ा ग्राउंड है, बड़े ग्राउंड में छक्के जरूर से लगते हैं और पहली गेंद पे श्रेयस अय्यर ने भी शानदार तरीके से शुरुआत करते हुए छक्का लगा दिया है। क्या शॉट मारा है ये, बड़ा ग्राउंड, बड़े ग्राउंड में छक्के बहुत ज़्यादा लगते हैं और ये छक्का जो है बहुत लंबा लगा है सामने की तरफ, ग्राउंड में जाकर गिरी है दर्शकों के बीच में। ओवर की हुई समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद दो विकेट के नुकसान पे स्कोर यहाँ पे 22 रन, यहाँ पे 22 रन पे दो विकेट गिर चुके हैं और डेविड विली गेंदबाजी करने के लिए आए, 30 मैचेस के लिए उन्होंने 34 विकेट चटकाई है। डेविड विली यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए आए, मैचेस की बात करें 34 के लिए विराट कोहली स्ट्राइक पर मौजूद है 102 मैचेस के लिए। रनों की बात करें तो 2529 रन है इनके बल्ले से, एवरेज की बात करें तो 45.98 का एवरेज है इनका। स्ट्राइक रेट की बात करें तो 143 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं और पहली गेंद का सामना करेंगे। रन रेट की बात करें तो 22 का चल रहा है रन रेट टीम इंडिया का और विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। पहली गेंद विराट कोहली के सामने, यहाँ पे अच्छा शॉट सामने की तरफ, गेंद और बिल्ली इसमें से निकल गई है और गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए। क्या शॉट मारा विराट कोहली ने, शानदार तरीके से सीधा स्ट्रेट ड्राइव खेली है और सीधी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई है चौके के लिए। अच्छा शॉट है ये विराट कोहली का और विराट कोहली जब ऐसा शॉट मारते हैं तो कोई बल्लेबाज के पास और कोई गेंदबाज के पास और फील्डर के पास को मौका नहीं रहता इस गेंद को रोकने का, गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर ही जाती है। फील्डर बाहर से हटा लिया है, विराट कोहली स्ट्राइक पर मौजूद है फिर से एक बार, देखना होगा किस तरह से शॉट खेलेंगे। पहली गेंद पर चौका जरूर से लगा है, दूसरी गेंद का सामना करेंगे विराट कोहली। एक और अच्छा शॉट, इस बार भी गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर चार रनों के लिए, कोई मौका नहीं है फील्डर के पास। एक और शानदार चौका, स्ट्रेट ड्राइव में इस गेंद को खेला, दोनों गेंदों पे दोनों ही चौके लगा दिया और विराट कोहली ने
क्या ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत की है, सामने की तरफ सीधा और बॉल को सीधी बाउंड्री लाइन की तरफ से तेजी की रफ्तार से भेजा है। डेविड विली की दो गेंदों में लगातार दो चौके विराट कोहली के बल्ले से शानदार तरीके से शॉट खिलाई है। फील्डिंग चेंज होती हुई यहाँ पे 30 रन का स्कोर हो चुका है 2 विकेट के नुकसान पे। एक और अच्छी गेंद डालने के लिए तैयार है डेविड विली, लेकिन विराट कोहली आज के मुकाबले में काफी ज्यादा फॉर्म में नजर आ रहे और एक अच्छी गेंद ऑफ साइड की दिशा में, इस बार अच्छा शॉट खेल सकते थे लेकिन ऑफ साइड की दिशा में शॉट गेंद डाली और वहां पे चूकते हुए विराट कोहली। दो गेंदों पे लगातार दो चौके लगाकर खेल रहे विराट कोहली, अगली गेंद का सामना करेंगे। एक और अच्छी गेंद, इस बार थोड़ी सी ऑफ साइड की दिशा में गेंद है और बहुत ही शानदार गेंदबाजी कहेंगे हम। लगातार दो गेंदें डॉट निकली है, अब बड़ा ग्राउंड है तो इस मुकाबले में बड़े शॉट तो लगने ही वाले है। एक और अच्छी गेंद डाल सकते थे, एक और अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार गेंदबाजी वापसी करते हुए यहाँ पे गेंदबाज की तरफ से। विराट कोहली ने दो चौके जरूर से लगाए लेकिन अगली गेंद पे शॉट यहाँ पे बहुत देखने को मिला नहीं है। अगली गेंद का सामना करेंगे फिर से एक बार विराट कोहली, देखना होगा किस तरह से खेलेंगे। और यहाँ पे यह शॉट अच्छा है, ऑफसाइड की दिशा में एक रन लेने का मौका है, डाइव लगाकर रन पूरा किया यहाँ पे विराट कोहली ने और आसानी से यहाँ पे रन पूरा होता हुआ यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से ओवर की हुई समाप्ति। 31 रन का स्कोर है 2 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर की समाप्ति के बाद और यहाँ पे स्पिनर गेंदबाज को लाया गया है। देवसन आए हैं 8 मैचेस के लिए, 5 विकेट चटकाई है 30 का स्ट्राइक रेट से वो यहाँ पे गेंदबाजी करते हैं और यहाँ पे सामने विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे हैं। आज के मुकाबले में क्या बल्लेबाजी की है, सामना करेंगे विराट कोहली। पहली गेंद पे 6 रनों के लिए गेंद को भेज दिया है, बड़ा ग्राउंड है ये और बड़े ग्राउंड में छक्के बहुत ज्यादा लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, छक्के के साथ शुरुआत करते हुए विराट कोहली क्या ताबड़तोड़ अंदाज में छक्का लगाया है, बहुत ही शानदार शॉट ये और बड़े ग्राउंड में बड़े शॉट लगते हैं विराट कोहली के बल्ले से। और आज के मुकाबले आते ही अच्छी बल्लेबाजी की है विराट कोहली ने, क्योंकि शानदार तरीके से शॉट खेलते हैं विराट कोहली। यहाँ पे मुकाबला बहुत रोमांचक हो रहा है, 7 गेंदों पे 15 रन बनाकर खेल रहे विराट कोहली और आज के मुकाबले में क्या ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की है विराट कोहली ने। एक और अच्छी गेंद, इस बार भी सामने की तरफ, इस बार फील्डर मौजूद है, वहां पे फील्डर नहीं होता तो चौका ही लगने वाला था। बड़े ग्राउंड में बड़े बड़े शॉट खेलते हैं विराट कोहली, 37 रन पे बनाकर खेल रहे 2 विकेट के नुकसान पे टीम इंडिया का। और अगली गेंद का सामना करेंगे विराट कोहली, ये गेंद अच्छी है, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, वापस ऑफसाइड की दिशा में गेंदबाजी कर रहे डेविड विली। और यहाँ पे 2 ओवर 3 गेंदें हुई है और एक अच्छी तरीके से शुरुआत हुई है टीम इंडिया की। यहाँ पे शॉट लगा सकते हैं, एक और अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है। पार्टनरशिप की बात करें तो 37 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है और यहाँ पे 2 विकेट गिर चुके हैं दोस्तों। विराट कोहली के बाद शुभमन गिल भी अच्छी तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन आउट हुए थे वो। अब दोस्तों ये गेंद बड़ा शॉट खेल सकते हैं, जी हाँ दोस्तों, पहाड़ों में जाती हुई गेंद, बड़ा शॉट, 6 रनों के लिए जाएगी गेंद, लंबा छक्का विराट कोहली के बल्ले से, एक और छक्का यहाँ पे देखने को मिला है और यहाँ पे देवसन की गेंद पे ये शॉट खेला है ऑफ साइड की दिशा में, बड़ा छक्का। बड़ा ग्राउंड है और धर्मशाला के मैदान के अंदर यह मुकाबला हो रहा है तो दोस्तों बड़ा ग्राउंड में बड़े शॉट तो लगने ही वाला है। अच्छी तरीके से शॉट खेला है यहाँ पे, 2 विकेट के नुकसान पे 43 रन का स्कोर है। विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे हैं आज के मुकाबले में, काफी ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये अच्छी गेंद, इस बार लेफ्ट साइड की ओर, इस बार पीछे की तरफ खेला है शॉट और ये भी छक्का जाएगा, बड़ा छक्का और एक और छक्का यहाँ पे लेफ्ट साइड की गेंद पे, यहाँ पे शॉट खेला है लेग साइड की ओर, बैठ कर इस गेंद को सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा है। फील्डर के पास कोई मौका ही नहीं है इस गेंद को रोकने का और छक्के के लिए गेंद को भेज दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर। ओवर की हुई समाप्ति यहाँ पे फिलहाल दोस्तों 49 रन 2 विकेट के नुकसान पे और विंस गेंदबाजी करने के लिए आए, 10 मैचों का इनके पास अनुभव है और भारतीय बल्लेबाजों ने आज 16.33 की रन रेट से बल्लेबाजी की है आज के मुकाबले में। विराट कोहली स्ट्राइक पर मौजूद है, बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे हैं, देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। पहली गेंद स्विंग होती हुई यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे गेंद को डाला है, दूसरी गेंद का सामना करेंगे श्रेयस अय्यर, देखना होगा किस तरह से खेलेंगे श्रेयस अय्यर। विराट कोहली के बाद श्रेयस अय्यर ने फिर से एक बार इस गेंद को डिफेंड किया है बहुत ही शानदार तरीके से और बड़ा मुकाबला, 3 गेंदों पे 6 रन बनाकर खेल रहे श्रेयस अय्यर। अगली गेंद का सामना करेंगे श्रेयस अय्यर, देखना होगा किस तरह से खेलेंगे इस गेंद को, यहाँ पे बड़ा शॉट खेल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अच्छा शॉट, इस बार गेंद को आने दिया और गेंद को भेजा है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए, बड़ा छक्का यहाँ पे। भारत और इंग्लैंड के बीच में यह मुकाबला है दोस्तों। हमारी कमेंट्री अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए जी किस तरह से शॉट खेला है और हमारी टेलीग्राम की चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम पे।
बड़ा मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच में, और शानदार तरीके से इस मुकाबले की शुरुआत होने वाली, चार गेंदों पे 12 रन बनाकर खेल रहे यहाँ पे श्रेयस अय्यर। बहुत ही अच्छा मुकाबला है ये, और इस गेंद पे बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करेंगे। एक अच्छा शॉट इस बार सामने की तरफ, सीधा गेंद जाएगी फील्डर के पास। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे 55 रन का स्कोर हो चुका है 2 विकेट के नुकसान पे।